फाइनली शिबा इनू की बहुत बड़ी अपडेट आई है। शिबा इनू ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो इसका शिबेरियम है उसका बीटा ब्रिज लाइव कर दिया गया पब्लिक टेस्टिंग के लिए। और यही कारण है कि अभी शिबा इनू में बहुत बड़ा सडन पंप हमें देखने को मिल रहा है, इसके प्राइस में सडन इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल न्यूज ताजी है, तो हो सकता है कि आपको अभी भी प्रॉफिट मिल जाए, पॉसिबिलिटी अभी भी यही है। और ये सब कुछ आने की वजह से ये शिबा इनू सिर्फ एक मीम कॉइन ही नहीं रह जाएगा बल्कि एक बहुत बड़ा डिफाई प्रोजेक्ट बनने वाला है। यही कारण है कि आप अगर इसको होल्ड भी करते हैं तब भी आपके लिए बेस्ट कॉइन रहने वाला है। एंड अभी इसकी जो वॉल्यूम है एकदम से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गई है 24 आवर्स की, और इसका जो रैंक है 14th के आसपास चल रहा है। तो आखिर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है शिबेरियम आने का, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला इस वीडियो में, और इसका प्राइस कहां तक जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉर्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो मार्केट कैप है लगभग 5% से इंक्रीज हुआ है, और इसी के साथ जो इसका वॉल्यूम है 24 आवर्स का वो 72% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ चुका है अभी शिबा इनू में, क्योंकि न्यूज़ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अवेटेड न्यूज़ थी शिबेरियम के बारे में, जिस कारण अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है और सभी इसी में प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ पब्लिक टेस्टिंग के लिए शिबेरियम लाया जा रहा है, शिबा इनू की जो ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है ये नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशंस भी स्टार्ट करने वाले हैं। यही बहुत बड़ा अपडेट है, और इसी कारण शिबा इनू जो पहले मीम कॉइन के नाम से स्टार्ट हुआ था अब ये सीरीज ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है अपना शिबेरियम लॉन्च करके, क्योंकि इसी नेटवर्क के ऊपर बोन होगा, ट्रीट, शिप, लीश, ये सारे के सारे टोकन्स यूटिलाइज भी होंगे और इसके ऊपर ट्रांजैक्ट भी किए जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी कॉइन्स के प्राइसेस में बहुत बड़ा इंक्रीज आने वाला है। मैं आपको बहुत बार बोन टोकन के बारे में बता चुका हूँ कि आप बोन कॉइन जो है इनका होल्ड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इस ब्लॉकचेन को इथेरियम ब्रिज बोला जा रहा है, जिससे क्या है कि ये टोकन्स हम दो अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर ट्रांसफर ईजिली कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये भी है कि इस टेस्टनेट के बाद जब भी फाइनल लॉन्च होने वाला है, इवन टेस्टनेट में भी जो ईथर टोकन्स हैं वो शिबेरियम पर बहुत ही ईजिली ट्रांजैक्ट किए जा सकेंगे, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन पर। और यहाँ बताया जा रहा है सितोशी कुसामा के द्वारा कि ये जो ट्रांसफर्स हैं मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स का ले सकते हैं, और अभी रियल एसेट्स सपोर्टेड नहीं है, यानी कि अभी सिर्फ टेस्टनेट है, अभी रियल एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आपको थोड़ा और टेक्निकली बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। जब भी ऐसा ब्रिज बनाया जाता है तो स्केलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे डाटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बहुत फास्ट होती है। तो इसमें ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस रहती हैं जिनको सिंगल लेयर में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। यही कारण है कि जो डाटा लोड है या फिर जो फीस है वो कम हो जाती है। अब शिबेरियम ब्लॉकचेन के आने के साथ साथ क्या होने वाला है कि जो डॉगी डाओ है, जो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके ऊपर गवर्नेंस भी रहती है टोकन होल्डर्स के लिए, तो वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ शिबेरियम के ऊपर ही चलने वाली है। तो शिबेरियम जब लाइव होगा इसी को यूज़ किया जाएगा प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो इस टेस्टनेट में पिछले महीने के अंदर 27 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो कि एस्टिमेटेड 16 मिलियन वॉलेट्स के द्वारा एस्टिमेट किया जा रहा था। तो ये जो अपडेट आया है ये लूसी शिप के द्वारा आई है, जो कि ऑफिशियल इसके मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं शिबा इनू के। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली एक चीज़ बोली है कि शिबेरियम ब्रिज गोज लाइव फॉर पब्लिक टेस्टिंग अहेड ऑफ अगस्त लॉन्च, यानी कि अगस्त में लॉन्च होने वाला है। अगस्त आने में सिर्फ 2-3 दिन बाकी हैं, तो हो सकता है बहुत ही जल्द इसको लॉन्च भी कर दें। तो शिबा इनू इकोसिस्टम का ये शिबेरियम बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, जिसमें काफ़ी सारी यूटिलिटीज रहेंगी, एप्लीकेशंस इसके ऊपर बिल्ड करी जाएंगी, और ERC-20 टोकन्स यानी कि NFTs को भी इसके ऊपर क्रिएट किया जा पाएगा, इसकी डेवलपमेंट करी जा पाएगी। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शिबा इनू का प्राइस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखने वाला है, इससे लिक्विडिटी बढ़ने वाली शिबा इनू की। ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसका जो मार्केट कैप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बिल्कुल ऐसे ही आने वाले समय के अंदर यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों इसकी जीरो स्कट होने वाली है और शिबा इनू 1 सेंट तक पहुंचने वाला है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने सिर्फ शिबा इनू के बारे में डिस्कशन करी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्विटर और इसी के साथ डॉज कॉइन के बारे में बताया था, वो वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।